दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना निगम द्वारा वर्ष 1991 में प्रदेश के इच्छुक एवं पात्र अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए गैर पारंपरिक व्यवसायों में विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलवाने हेतु दलित वर्ग व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी को यदि वह अपने जिले में प्रशिक्षण ले रहा हो तो ₹500 प्रति माह और यदि अपने जिले के बाहर प्रशिक्षण ले रहा हो ₹750 प्रति माह की दर से वजीफा दिया जाता है तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को मानदेय भी निगम द्वारा प्रदान किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹35,000 से कम होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा 16 व्यवसायों का चयन किया गया है जिसकी सूची निम्नलिखित है। पहला व्यवसाय है हथकरघा या खड़ी जिसकी अवधि 12 मास है, मोटर ड्राइविंग अवधि 6 मास, मोटर मैकेनिक ऑटो रिपेयर 12 मास, शू मेकिंग अवधि 12 मास, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर अवधि 12 मास, प्लंबर अवधि 6 मास, इलेक्ट्रीशियन या मोटर वाइंडिंग अवधि 12 मास, वेल्डिंग अवधि 6 मास, प्रूनिंग तथा ऑर्चर्ड ऑपरेशन अवधि 2 मास, कारपेंट्री अवधि 12 मास, फोम का सामान बनाना अवधि 6 मास, ब्यूटीशियन अवधि 6 मास, बांस का सामान बनाना अवधि 6 मास, नाई का काम अवधि 6 मास, कटिंग टेलरिंग अवधि 12 मास, कंप्यूटर अवधि 12 मास।